हेलो एवरीवन, आज के करंट अफेयर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। अब उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के CM है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में है वेलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। मोहम्मद रफीक हैं चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल उड़ीसा की है। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा ने दिया था नवीन पटनायक जी को। सत्यकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक उड़ीसा की है। नुआखाई उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। सबूज उड़ीसा पहल उड़ीसा की है। रज पर्व मनाया जाता है उड़ीसा में। और पीले रंग का दुर्लभ कछुआ उड़ीसा में पाया गया। राजकीय पशु है यहाँ का सांबर हिरण। बलराम योजना उड़ीसा की है। कालिया योजना उड़ीसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक के में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब वियतनाम की कैपिटल है हनोई और यहाँ की करेंसी है वियतनामी डोंग और यहाँ के प्रेसिडेंट है NP ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? तो तेलंगाना ने जीता है इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020। अब तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद पाक कला का शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के CM हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं डॉक्टर तमिल साई सौंदरराजन। तेलंगाना में साहिब हर अभियान महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया गया है और कबल टाइगर रिजर्व और अमर बाग टाइगर रिजर्व जो है वो है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन दोनों ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NLD स्पिलबर्ग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो NLD स्पिलबर्ग जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो हमारे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की है राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासनसार द्वीप किस देश में है? तो बासनसार द्वीप जो है वो है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका और शेख हसीना है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। और ये बासनसार द्वीप जो है वह मेघना नदी के तट पर स्थित है। अब संप्रीति एक्सरसाइज जो है भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। अब मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने और डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी चार्जर्स यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हमारे थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCC कैंडिडेटों के लिए DGNCC नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने NCC कैंडिडेटों के लिए DGNCC नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए अडोब के साथ साझेदारी की है? तो HDFC बैंक ने की है अडोब के साथ साझेदारी। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और CEO है आदित्य पुरी। HDFC बैंक की जो टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये है इसकी टैगलाइन। अब अडोब की स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और CEO है शांतु नारायणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? डेविन ब्रावो जो है
500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। इन्होंने 500वां विकेट जो है CPL में लिया है। अब भारत के जो पहले खिलाड़ी हैं CPL में शामिल होने वाले वो हैं प्रवीण तांबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनिंग टुवार्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो तेनजिन प्रियदर्शी ने लिखी ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो मेरी के लुकास रिजेनवेल्ड ने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 17% हिस्सेधारी का अधिग्रहण करेगा? तो एक्सिस बैंक जो है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 17% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। तो ये था आज के करंट अफेयर का वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।